हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कल की क्लास में या पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करवा दिए थे एक्सरसाइज 1.2 के। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6 और 7 सॉल्व करवाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो से सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, क्वेश्चन आपको समझ आते हैं या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7 तथा f f और फलन हो गया 1, 4, 2, 5, 3, 6। a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एकैकी है। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, एक सेट ए का, दूसरा बनाएंगे आप सेट बी का। सेट ए का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें सेट ए के सारे अवयव लिखेंगे आप, दूसरा डायग्राम बनाएंगे आप सेट बी का और इसमें आप सेट बी के सारे अवयव लिख लेंगे। सेट ए में हमारे पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और सेट बी में है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। ए से बी में परिभाषित एक फलन है और फलन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे दिया है। समुच्चय ए बराबर आपको दिया गया बेटा 1, 2 एंड 3। दूसरा आप लिखेंगे बी बराबर, ये आपको दिया है 4, 5, 6, 7। एंड जो फलन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है और 3 का 6 से। अब देखिए इसको डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे। 1 का कनेक्शन हो गया भाई 4 से, 2 का कनेक्शन हो गया 5 से एंड 3 का कनेक्शन हो गया 6 से, 7 बेचारा छूट गया। तो देखते ही पता चल रहा है कि प्रांत, ये आपका क्या होता है प्रांत, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो इसमें आपको केवल थ्योरी लिखनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम एकैकी। आप लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है या फिर लिखते हैं विद्यमान है। तो हम यहां लिख देते हैं अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन क्या होगा, एकैकी हो जाएगा। अतः फलन एकैकी है। बस केवल हमें इतना ही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए फलन एकैकी है, ये हमारा सिद्ध हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आच्छादक के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया तो हम आच्छादक सिद्ध नहीं करेंगे। हालांकि पता चल रहा है देखने से कि ये आच्छादक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 खाली छूट गया, 7 का पूर्व प्रतिबिंब आपको प्रांत में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी, आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। फलन आपको दिया हुआ है और आपको केवल चेक करके बताना ये एकैकी है, आच्छादक है या एकैकी और आच्छादक दोनों ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले से हम शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन बहुत शानदार है, प्रूफ करने वाला दिया हुआ है आपको। इस बार थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे का मतलब यहाँ पे समीकरण दिया गया है, मतलब आप fx1 बराबर fx2 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, ये आपको दिया है। अब डायग्राम भले ही ना बनाए इसमें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि R2R में डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता थोड़ा, क्योंकि R माने वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं अनंत होती है तो कहाँ तक आप डायग्राम बनाएंगे, इसलिए इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे एकैकी। एकैकी के लिए क्या करेंगे हम, माना fx1 बराबर fx2। ध्यान से समझिए, हमने fx1 बराबर fx2 मान लिया। अब fx का मान कितना है, 3 माइनस 4x, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, fx1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4x1 और यहां पर
एफ एक्स टू की जगह जाएगा 3 माइनस 4x2। यहां से देखिए ये 3 प्लस के दोनों तरफ है तो कट जाएंगे, आपके पास बचेगा माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2। माइनस फोर से माइनस फोर भी कट जाएगा, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। और जब fx1 बराबर fx2 लेने पर x1 x2 बराबर आ जाए तो फलन एक एक ही होता है, ठीक है। हम लिखेंगे अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है। अब इसमें उदाहरण आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो फलन आपका दिया गया है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, ठीक है। तो कोई भी मान रख लो आप, कोई भी मान रख लीजिए, अब हम देखेंगे आच्छादक के लिए, तुम लिखेंगे आच्छादक, आच्छादक के लिए जो भी आपका फलन है उसको लिख लो। एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है भाई, 3 माइनस 4x। एफ एक्स को आप क्या लिखते हैं, वाई, वाई बराबर कितना आ गया, 3 माइनस 4x। हमें क्या निकालना पड़ता है यहाँ से, एक्स का मान, तो 4x को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, वाई हो जाएगा माइनस। एक्स का मान निकालेंगे तो 3 माइनस वाई अपॉन कितना आ गया, 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वाई का कोई भी मान रखो, फिर जो भी मान प्राप्त होता है एक्स का वो देखो आपके समुच्चय में मिल रहा है या नहीं। अब चूंकि आपका जो प्रांत है वो भी आर है, प्रांत भी आर है और सह प्रांत भी क्या है, आर है। आर माने वास्तविक संख्या है, तो वाई की जगह आपके पास क्या आ गया, 3 माइनस वाई अपॉन 4। इस वाई की जगह आप कोई भी संख्या रखोगे, उसको 3 में से घटाओगे और 4 का लगाओगे भाग, तो जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो भी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी जो भी नंबर मिलेगा वो आपको एक्स वाले समुच्चय में मिल जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां से आप लिखेंगे, चूंकि वाई बिलोंग्स टू आर के लिए पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यहां पर लिखना प्रत्येक है ना बेटा, प्रत्येक लिख लेना, प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू आर। आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आर टू आर फलन है ना, तो आर के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है, विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है। इसका मतलब हुआ, ये हुआ कि फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार फलन, इस प्रकार फलन एक एक की आच्छादी है, एक एक ही भी है और आच्छादी भी है, तो एक एक की आच्छादी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डायग्राम बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स बराबर आपको दिया है 1 प्लस x2 और फलन जो परिभाषित है वो आर से आर में ही है, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर 1 प्लस x2 दिया हुआ है। अब डायग्राम बनाने की यहां भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली करेंगे सॉल्व जैसे कि हम करते हैं एक एक की। इसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं माना fx1 बराबर fx2। तो देखो भाई fx का मान है 1 प्लस x2, तो fx1 का मान हो जाएगा 1 प्लस x1 का वर्ग बराबर यहां पर हो जाएगा आपका 1 प्लस x2 का वर्ग। 1 दोनों तरफ प्लस प्लस का इसलिए घट जाएगा या हम कहें कट जाएगा। x1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया, x2 स्क्वायर। यहां से आप x1 का मान निकालेंगे, ±x2 आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट आपका प्लस का भी ले सकते हो माइनस का भी, क्योंकि जो फलन है वो आर से आर में परिभाषित है ना, फलन जो है आपका वो आर टू आर है। अगर यही चीज एफ एन टू एन होता
तो फिर यहाँ पर आपका एक्स वन बराबर केवल प्लस का एक्स टू आता, माइनस का नहीं आता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वन बराबर आया प्लस माइनस टू, यानी एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं है, एक्स वन एक्स टू के प्लस के बराबर भी है और माइनस के बराबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, अतः फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, उदाहरण दे दो भाई। उदाहरण के लिए आपने क्या किया, एक्स वन बराबर माना माइनस वन एंड एक्स टू बराबर मान लिया आपने प्लस वन। तो यहां से आप देखिए, एक्स वन बराबर माइनस वन रखा और एक्स टू बराबर क्या रखा, वन रखा। तो यहां से जब आप एफ एक्स वन निकालेंगे तो वन प्लस एक्स वन का मान माइनस वन और इसका स्क्वायर कितना आएगा, वन प्लस वन बराबर टू आ गया। ऐसे ही आप निकालेंगे एफ एक्स टू का मतलब होता है वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, एक्स टू यानी वन का स्क्वायर, वन प्लस वन ये भी कितना आएगा, टू आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो एफ एक्स वन है वो बराबर है एफ एक्स टू के, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि जो एक्स वन है वो नॉट इक्वल टू है एक्स टू के, अतः फलन एकैकी नहीं है। अब हम चेक करते हैं अच्छा तक होगा या फिर नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं हम फलन की अच्छा तक की कंडीशन। तो लिखेंगे हम अच्छा तक, देखो भाई एफ एक्स का जो मान है वो आपको दिया हुआ है वन प्लस एक्स वर्ग, तो यहां से हम क्या करेंगे, y लिखेंगे एफ एक्स का मान और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स वर्ग, y माइनस वन हो जाएगा बराबर में क्या आएगा एक्स वर्ग, या हम लिखेंगे एक्स वर्ग बराबर y माइनस वन और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y माइनस वन। यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, y का मान आप क्या रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो। ध्यान से समझिएगा, अगर आप y का मान जीरो से छोटा यहां पर रखोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आएगी। जैसे y का मान अगर जीरो रख दिया तो भी क्या आएगा, माइनस वन आएगा। y का मान जीरो या जीरो से छोटा रखोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आएगी, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई मतलब वो काल्पनिक संख्या है, वो वास्तविक संख्या नहीं है, एक्स को बिलोंग नहीं करेगी, यानी फलन आच्छादक भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। कैसे नहीं है, उदाहरण के लिए देखिए, अगर आपने y बराबर रख दिया माइनस टू तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस टू और माइनस वन बराबर में अंडर रूट माइनस थ्री। ये जो अंडर रूट माइनस थ्री है ये r को बिलोंग नहीं करता, यानी प्रांत में ये नहीं मिलेगा। बात समझ गए, चलिए तो यहां से आपको एक ही चीज लिखनी है, मैं यहां लिख देता हूं, आप क्या लिखेंगे, चूंकि सहप्रांत में, अब देखना बेटा y लेस देन इक्वल जीरो बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक, एक मिनट, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आज की इस वीडियो में केवल दो ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।